हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से गुजिया, और ये जो गुजिया है इसमें एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस होली में रेगुलर गुजिया बनाने के साथ साथ ये ओरियो गुजिया बनाकर जरूर ट्राई करें। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम 2 पैकेट ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट को पैकेट से निकालकर बाउल में रख देंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 बोल लिए हैं, जिसमें से एक बोल में हम क्रीम को डालेंगे और दूसरे बोल में हम बिस्किट्स को डालेंगे। तो इस तरह से हमने सारे क्रीम और बिस्किट्स को अलग कर लिया है। अब ये जो बिस्किट है इसे हम क्रश कर लेंगे। बिस्किट को क्रश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप दूध। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे बिस्किट घुल जाएगा और दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये जो बैटर है ये बनकर रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी पैनकेक के बैटर के जितनी रखनी है। 2 पैकेट दूध में 1/2 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। इसे साइड पे रखते हैं, तब तक बनाते हैं गुजिया की स्टफिंग, जिसके लिए लिया है हमने ये 20 ग्राम मिल्क पाउडर। स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये 10-10 ग्राम के मिल्क पाउडर के 2 पैकेट लिए हैं, और साथ में ओरियो बिस्किट की क्रीम। अब हम स्टोव पे पैन चढ़ा लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध। दूध में अच्छे से बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद इसमें मिल्क पाउडर को ऐड कर देंगे, और मिल्क पाउडर को लगातार मिक्स करते रहेंगे जिससे कि उसमें लम्स ना हो जाए। सारे लम्स को आप ब्रेक करते हुए इसे मिक्स करें, और इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक चलाएं जब तक कि ये पैन में रोल ना हो जाए। तो मिल्क पाउडर से हमने खोया बना लिया है। अब इस खोए में हम ऐड करेंगे ओरियो बिस्किट का क्रीम। बिस्किट के क्रीम को और खोए को हम आपस में मिक्स कर देंगे। अब जब क्रीम को हमने पैन में डाला तो ये मेल्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर है चीनी। तो इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर ड्राई ना हो जाए। तो अब ये ड्राई हो गया है, साथ ही खोए के साथ मिक्स हो गया है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल कर साइड रख देंगे। अब बनाएंगे गुजिया का क्रस्ट। तो यहाँ पे हमने जो बैटर तैयार किया था इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ, और 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद हम बनाएंगे पैनकेक। तो ये जो गुजिया है इसे मैं थोड़े यूनिक तरीके से बना रही हूँ। हम पैनकेक बनाकर इस गुजिया को बनाएंगे। इस गुजिया को बनाने के लिए हमने एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बैटर को हमने पैन के बीचों बीच डाला था। जब बैटर में अच्छे से बबल्स आ जाए और ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा तब हम इसे फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद दूसरे साइड से हम इसे केवल 30 सेकंड तक पकाएंगे। तो ये रेडी हो गया है, इसे पैन से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारे पैनकेक्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पैनकेक कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है। तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं गुजिया में। अब एक गुजिया मोड़ लेंगे और इसके बीच में ये पैनकेक रख देंगे, और इसके बीचों बीच में डालेंगे स्टफिंग और इसे बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा पैनकेक बाहर निकला है इसे आप निकाल कर साइड में रख लें। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो काफ़ी अच्छे से प्रेस करें जिससे कि इसके जो एजेस है वो आपस में चिपक जाए। बस हमारी ओरियो गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से आप बाकी पैनकेक्स की भी गुजिया बनाकर रेडी कर लें। इस गुजिया को बनाना बहुत आसान है। जब भी आपका गुजिया खाने का दिल करे, या आपके घर में की हो किसी ने गुजिया खाने की डिमांड, तो आप फटाफट से ये ओरियो गुजिया बनाकर उन्हें दें। इसे खाते ही वो बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपको ओरियो गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो होली का समय पास आ गया है, इस गुजिया को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और इसके पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।